अंकित सर, जी सर, तो बच्चों ने होली सेलिब्रेट कर लिया जी सर, और एक बच्चों का काम पेंडिंग था। बच्चों ने ये कहा था कि सर, जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट गवर्नमेंट की फीस पे भरी जाएगी तो कट ऑफ पे क्या असर आएगा। ये तो जाहिर सी बात है, कट ऑफ कम होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकिन अंकित सर, हमने अपनी पूरी टीम को लगा दिया रिसर्च जी, करने में कि इस साल जो पेपर हुआ था, अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो कट ऑफ कितना जाता। कट ऑफ कितना गया बच्चों को पता ही है। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि 7 मार्च को शायद जन औषधि दिवस था, जी उसमें मोदी जी ने ट्वीट भी कर दिया था जी कि इंप्लीमेंट होगा। और कल और योगी जी का था कि अब यूपी के हर कॉलेज में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, तो कॉलेज का नंबर तो बढ़ना है। तो मैंने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले वीडियो में भी निकाला था कितनी सीट है, कितनी सीटें बढ़ेंगी। और ये बच्चों को हम लोग बता दें कि हम लोगों ने लिया है एनएमसी की ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट से, से तो कई बार बच्चे कमेंट करते हैं इतनी नहीं इतनी सीट। तो अंकित सर, अगर ये 50% वाला लागू हो जाता है, और लागू होना ही है, तो कट ऑफ कितना कब हो जाएगा ये हम लोगों को बताना आज। तो यहां पर सबसे पहले ये बताइए कि टोटल प्राइवेट कॉलेज की सीट एनएमसी की वेबसाइट पे कितनी है। सर, इसमें हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस कंसीडर कर रहे हैं और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स भी कंसीडर कर रहे हैं। हाँ तो प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट अगर हम मिला दें हाँ तो इसका टोटल नंबर हाँ है 52,602, अच्छा, 52,602 सीट्स है। और इसका आधा कर दिया जाए। हाँ, चूंकि कैलकुलेशन इसके 50% पर होनी है, तो अगर आप इसका हम लोग जस्ट 50% करें तो अराउंड ये आएगा 26,000 के करीब। छब्बीस एग्जैक्टली हजार देखें करीब तो आएगा। 26,301 आएगा लगभग। चलिए ठीक है। जी, और गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी सीट थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट थी जिसमें काउंसलिंग हुई इस बार? 41,065, तो हाँ, 41,065 लिखिए जरा, ये गवर्नमेंट सीट्स थी। जिसमें काउंसलिंग हुई। हो बिल्कुल सकता है सर, कुछ कॉलेज और बढ़े हो। कुछ कॉलेज और बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि इस साल में अगर ये 41,000 में 26,301 जोड़ दिया जाता जी 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 तो कट ऑफ निश्चित रूप से हो बिल्कुल जाता। बिल्कुल तो हमने पूरी मेरिट लिस्ट को कैलकुलेट करके अंकित सर एक कट ऑफ निकाला। अच्छा, और आप मजेदार बात जानते हैं, अगर ये इंप्लीमेंट होता, अगर ये इतनी सीटें इस बार आ गई होती, तो जनरल में बच्चों को कॉलेज मिल जाता 584 पर। लिखिए जरा, जनरल पे मिल जाता 584 पर। अरे वाह सर, ओबीसी 580, ओबीसी 580, ओबीसी 580 मिल जाता, ईडब्ल्यूएस मिल जाता 581 टू 582, 581 या 582 पर, 582। एससी मिल जाता 435 435। और एसटी मिल जाता 230। तो ये तो सर काफी अंतर है। बहुत अंतर है। तो अब अगर ये रूल इस बार इंप्लीमेंट हुआ होता तो ये हमारे बच्चे जो परेशान हैं, निराश हैं, वो नहीं होते। तो क्या कहना चाहेंगे हम लोग बच्चों से, प्यारे प्यारे बच्चों, इस बार तो इंप्लीमेंट होने जा रहा है ना, और ये सारे बच्चे अपनी केवल मार्क्स को मेंटेन करें, टेस्ट देके, तो भी इनका मेडिकल कॉलेज का रास्ता खुल जाएगा। अच्छा अंकित सर, बच्चे पूछ रहे थे कि सर बताइए 2022 कट ऑफ बता दीजिए। तो 2022 कट ऑफ कैसे बताया जा सकता है? बिल्कुल सही बात कट है। ऑफ कितनी बातों पे डिपेंड करता है? दो बातों पे, एक तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं और दूसरा पेपर कैसा है पेपर के ना, लेवल पे। पेपर के लेवल पे। तो बच्चों ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हो तुम लोग, लेकिन ठीक है। अगर अंकित सर हम लोग ये मान लें कि मोर आर लेस 2022 का पेपर भी ऐसे ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई पेपर एक टफ हो जाए, बाकी तीन पेपर मॉडरेट रहे या हल्के रहे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर पेपर का लेवल यही रहेगा 2022 में, एक पेपर टफ और तीन पेपर मॉडरेट, तो फिर कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। तो लो भैया, तुम लोगों को इस सवाल का भी जवाब हो गया। लेकिन अब बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते, बताना पड़ता है। लेकिन बच्चों, जब तक पेपर हो नहीं जाता तब तक हम लोग कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन ये बात सही है कि सीट अगर उतनी ही रहती जितनी 2021 में है, उतना ही 2022 में भी होती, तब केवल पेपर वाला फैक्टर काम करता। लेकिन अब चूंकि सीटें बढ़ रही हैं, इसलिए ये फैक्टर भी काम करेगा सीटों के बढ़ने का, और जो भी कट ऑफ हो सकता होगा उससे कट ऑफ नीचे जाएगा। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग जो भी कहते हो, हम वीडियो बनाते हैं, कैसा लगता है जरूर बताना। अच्छा अंकित सर, बच्चे कुछ कमेंट करेंगे, इतनी नहीं इतनी सीट, फिर एक बार बता दें कि हम लोग ने एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है।
जब ये साइड अपडेट होगी तो फिर आपको बता देंगे। बिल्कुल सर, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कॉलेज में सीटें बढ़ती है, एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं होता, जिसको लेके बच्चे बोलते हैं सही बोलते हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर बनने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, टीम न्यू लाइट बिल्कुल तैयार है पूरे जोश के साथ, और अब तो होली के सेलिब्रेशन के बाद और भी एनर्जेटिक हो गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयारी में जुट जाओ, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अगर कोई और किसी तरह की वीडियो की जरूरत हो तो जरूर बताइए, जरूर हम लोग बनाएंगे। अंकित सर, अंत में जय हिंद जय भारत।